सब्सक्राइब करिए गुरुकुल ट्रिक्स चैनल को और बगल में बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, गुरुकुल ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेलवे एलपी का 10 अगस्त का जो मैथ जो एलपी का पेपर हुआ था उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसकी पूरी एनालिसिस हम लेके आए हैं। दोस्तों, मैथ का कौन सा क्वेश्चन आया था और जीएस और कुछ जीएस और करंट अफेयर के अभी क्वेश्चन है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन और आप इसको अगर पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है इसका। दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आया था कि दो नल किसी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कब भरेगी। तो दोस्तों देखिए, ये करना क्या था कि मान लीजिए नल ए 12 घंटे में भरती है और बी जो है उसको 15 घंटे में भरती है। ठीक है, तो ये दोनों कितना होगा, मतलब 60 पानी भरना है हमको, एलसीएम ले लेंगे, 60 पानी भरना है। मतलब कि ए जो है कि वो 5 पानी भर रहा है और बी जो है 4 पानी भर रहा है, यानी दोनों मिलके 9 पानी भर रहे हैं एक घंटे में। तो दोस्तों, ये पूरा पानी 60 जो है कि कितने घंटे में भरेगा, तो 9 बाई 60 बाई 9 कर देंगे आप दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 20 बाई 3 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, एक आया था क्वेश्चन, सुरेश का वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई फिर 20% की कमी करने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सुरेश के वेतन में पहले 20% की कमी पहले 20% की वृद्धि की गई फिर 20% की कमी करने पर लाभ या हानि। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, अभी हमेशा हानि होती है दोस्तों, लाभ का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, इसको करना कैसे रहता है, इसका एक फार्मूला है दोस्तों कि x+y+xy/100। दोस्तों, इस पर सिर्फ आपको रख देना था, जो दोस्तों देखिए वृद्धि होती है उसको प्लस सिंबल लेके और जो निगेटिव होती है उसका माइनस सिंबल लेके आपको ये सॉल्व करना था। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो हम 20% वृद्धि होती है फिर 20% क्या होता है, हानि होता है। तो 20% और गुड़े 20%, यहाँ माइनस है तो माइनस सिंबल यहाँ लग जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा बाई 100, तो ये प्लस ये 20 और ये 20 गया, मतलब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएगा। तो दोस्तों, इसका -4 आंसर आ जाएगा इसका। एक क्वेश्चन आया हुआ था, ए बी सी की आयु क्रमशः 32, 36 और 40 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु बताइए। दोस्तों, तो जानते हैं दोस्तों औसत आयु कैसे निकलती है कि जितने भी टर्म है सबको ऐड कर दीजिए, 32+36+40 और कितने टोटल संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब टोटल कितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये इसको 32, 36, 40 जोड़ेंगे तो 108 बटे 3 करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप बताइए दोस्तों कितना होगा, आएगा 20% को भिन्न में बदलने पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, तो 20% को भिन्न में बदलना था दोस्तों। तो जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब 1/100, मतलब 20/100 करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1/5, इसका 1/5 राइट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों, अब पूछा हुआ था 4:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:35 जब समय हो रहा होगा तो उस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, दोस्तों इसको लगा लीजिए। और दोस्तों, पूछा था नोबेल इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। दोस्तों, तो ये कल भी क्वेश्चन पूछा था, आज भी क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, तो रिचर्ड थेलर को ये पुरस्कार मिला था। और पूछा था कि प्रोपेन का फार्मूला पूछा हुआ था दोस्तों, प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8 बनती है। ऑक्सीकरण से कौन सी गैस बनती है ये पूछा हुआ था दोस्तों, तो ऑक्सीकरण से N2 बनता है। हरमाउ शक्ति जो ये सैन्य अभ्यास चलता है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कल भी एक सैन्य अभ्यास से पूछा हुआ था, आज भी एक सैन्य अभ्यास से पूछा हुआ था। आप सैन्य अभ्यास पढ़ने कौन से देश से क्या चल रहा है दोस्तों, ये इंडिया और मलेशिया से सैन्य अभ्यास चल रहा है अभी। और दोस्तों, ये देखिए पिता नहीं है पेटे के तरफ से 2017 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे मिला गया है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नहीं मिला इसलिए हम बता नहीं पाए दोस्तों। देखिए, नीरज चोपड़ा से पूछा हुआ था क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा हुआ था। तो नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा से भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है दोस्तों, ये पूछा था कि नीरज चोपड़ा कौन थे। और पूछा था कै के डायरेक्टर कौन है, तो कै के डायरेक्टर राजू महर्षि कै के डायरेक्टर हैं। ओलंपिक 2016 में ध्वजावाहक कौन था दोस्तों, ये पूछा हुआ था।
और स्पाइट जेट के मालिक कौन थे? दोस्तों देखिए, कल पूछा था KKR के मालिक कौन थे, आज पूछा था स्पाइट जेट के मालिक कौन थे। तो जो भी नामी कंपनियां हैं उसका आप देख लीजिए कि कौन उसके ऑनर हैं। और एक पूछा था नोटों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नोटों की स्थापना हुई थी 1949 में। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसकी आगे पेपरों में मुख्यालय पूछ सकता है, तो इसका ब्रुसेल्स और बेल्जियम यहाँ पर मुख्यालय है। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडर स्टीन ने की थी। और अनुवंशिका के जनक का नाम क्या है? अनुवंशिका के जनक का नाम क्या है? तो ग्रेगर जोहन मेंडल इनके जो है अनुवंशिका के जनक हैं। और जिंक का नंबर पूछा था दोस्तों, तो आप आवर्त सारणी 30 तक तो याद कर ही लीजिए। इसका जिंक का होता है 30, तो आप आवर्त सारणी में क्रम 30 तक याद कर लीजिए। कल भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आवर्त सारणी से, आज तो दो क्वेश्चन पता चल रहे हैं कि आवर्त सारणी से पूछे गए थे। तो दोस्तों आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल रहेगी। और दोस्तों आपके पास जो भी क्वेश्चन आए, आपके अगर पेपर है तो आप हमको मेल कर सकते हैं, हमको टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जिससे हम उस पर वीडियो बना सकें और आपको भी सही आंसर पता चल सके, और जो उनका पेपर आगे होने वाला है उनको भी मदद मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए गुरुकुल ट्रिक्स चैनल को और बगल में बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए।